Hi, I am your physics sarthi, Madhumita Mukherjee. I promise a better scoring in your physics. 2002 का एक क्वेश्चन था जो मैंने रैप किया, वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, ग्लोबल इन्फॉर्मेशन था, दोबारा कर लेंगे, ठीक है? तो मेरा 2002 का जो क्वेश्चन है वो मेरा क्वेश्चन 2002 का क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 3. क्या बोल रहा है? द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड एंड आवर हैंड आपका ऑप्शन देखो, ए इज 6:1, बी इज 1:6, सी इज 1:12 एंड डी इज 12:1. इजी है? मेरा क्लॉक आ गया 12:3:6:9. अच्छा, रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड एंड आवर हैंड, रेशियो ऑफ स्पीड, ओके, स्पीड ऑफ मिनट हैंड, स्पीड ऑफ मिनट हैंड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ आवर हैंड, करेक्ट? यही चाहिए. स्पीड ऑफ दोनों का ही ना, स्पीड किसको बोलते हैं, रेडियन पर सेकेंड या डिग्री पर सेकेंड में ले लेते हैं, दोनों को एक ही यूनिट में ले लेते हैं. समथिंग सपोज रेडियन पर सेकेंड में ले लो, नीचे समथिंग रेडियन पर सेकेंड में ले लो. दोनों सेकेंड में क्यों लिया? यूनिट निकल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा. एक में मिनट बोला है, एक में आवर बोला है, ठीक है? सेकेंड में लेना जरूरी है? नहीं जरूरी है, दोनों में मिनट ले लो. दोनों में आवर ले लो, जो भी करना है करो. मीनिंग बाय इधर रेशियो ऑफ सेम यूनिट में होना चाहिए, ठीक है? तो मिनट हैंड का स्पीड निकालो रेडियन पर मिनट में, स्पीड ऑफ मिनट हैंड यही निकालना है हमें. मिनट हैंड 2 पाई रेडियन कितना टाइम में कवर करते हैं, कितना टाइम में कवर करता है, कितना टाइम में इधर से आया इधर आके गया, एक मिनट में या 60 मिनट में? 60 मिनट में एक घंटा होता है, तो पूरा 60 मिनट में कवर कर लेता है, करेक्ट? 2 पाई डिवाइडेड बाई 60 कर लो, एक मिनट में कितना जाता है ये, एक मिनट में, ये मेरा मिनट हैंड है, एक मिनट में वो इतना जाता है, एक मिनट जाता है. पूरा एक घंटा में पूरा आ जाता है, तो नीचे एक घंटा चाहिए. स्पीड ऑफ मिनट हैंड इज 2 पाई डिवाइडेड बाई 1 आवर इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई 60 मिनट. ठीक है, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, एक घंटे में वो पूरा आ जाता है. स्पीड ऑफ आवर हैंड 2 पाई डिवाइडेड बाई आवर हैंड, पूरा 2 पाई पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है, 12 घंटा, डिवाइडेड बाय 12 आवर इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाई 12 आवर को मिनट में लो, 12 इंटू 60 मिनट. इन दिस केस 2 पाई रेडियन कर लेते हैं, रेडियन दिस इज रेडियन साइन, हाँ 2 पाई रेडियन. देखो मुझे तो रेशियो चाहिए, या दिस डिवाइडेड बाय आवर रेडियन डिवाइडेड बाय आवर करो आ जाएगा, या तो रेडियन मिनट डिवाइडेड बाय रेडियन मिनट करो आ जाएगा. दोनों दिखाती हूँ, ठीक है? दोनों दिखाती हूँ. इन दिस केस रेशियो
रेशियो, स्पीड ऑफ मिनट हैंड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ आवर हैंड। या तो करो इक्वल टू, देखो दिस इज आवर, दिस इज आवर, सो 2π/1 आवर, 2π रेडियन डिवाइडेड बाय, या 2π रेडियन डिवाइडेड बाय 12 आवर। आंसर क्या होता है? 12:1, 12:1। ये मिनट से देखो रेशियो, दिस इज क्या स्पीड ऑफ मिनट टू आवर मांगा है, स्पीड ऑफ मिनट हैंड डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ आवर हैंड। आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रही हूँ? समझ में आ रहा है ना? दोनों तरफ से दिखा रही हूँ, आइदर तो दिस डिवाइडेड बाय दिस करो या दिस डिवाइडेड बाय दिस करो। 2π/60 / 2π/12 × 60, देखो कट गया 12:1। सो समझ में आया, दोनों से 12:1 आया। क्या किया? फर्स्ट केस में पूरा घूमने में 1 घंटा लगता है, आवर हैंड के लिए पूरा घूमने में 12 घंटा लगता है, दोनों में रेडियन पर आवर, इसमें भी रेडियन पर आवर, डिवाइड कर तो आ जाएगा। आपको मिनट में लेना है, दिस 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, रेडियन पर मिनट करो, इधर 12 आवर मतलब 12 × 60 मिनट, रेडियन पर मिनट, रेडियन पर मिनट डिवाइड करो, 12:1 आएगा। ऐसे ही तुम्हारे पास और भी टाइम है तो बनो रेडियन पर सेकेंड, इसमें भी रेडियन पर सेकेंड डिवाइड करो, सेम आंसर आ जाएगा। पॉइंट इज दोनों में रेडियन पर मिनट ऊपर नीचे चाहिए, रेडियन पर सेकेंड ऊपर नीचे चाहिए, रेडियन पर आवर ऊपर नीचे चाहिए, यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? दोनों तरफ से देखा या समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इन दिस वे आई हैव एक्सप्लेन्ड लास्ट 20 इयर्स ऑफ क्वेश्चंस। इफ बेनिफिटेड डू वॉच।